नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं उन सभी डिफेंस डील्स के बारे में जो कि 2019-2020 के मध्य तक कंप्लीट होने हैं या फिर उनको प्रोपेल किया जा सकता है हमारे नए डिफेंस मिनिस्टर जो कि आज ही निरूपित किए गए हैं श्री राजनाथ सिंह जी के रूप में। तो इस डिफेंस सेगमेंट में तकरीबन 10 ऐसे डील्स को देखेंगे जो कि राजनाथ सिंह जी के द्वारा 2019-2020 में प्रोपेल किया जा सकता है और जिन्हें प्रोपेल किया जाना काफ़ी आवश्यक है। और ये ऐसी डील्स हैं जो कि बहुत दिनों से आप कह सकते हो कि आर्म्ड फोर्सेस की डिमांड है। तो आइए चले डालते हैं एक नज़र इन सभी डील्स पे। वैसे तो प्रोजेक्ट घातक और इंडिया का इंडिजिनस प्रोजेक्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA ये दोनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में जिन पे काम किया जाएगा, लेकिन अभी इस डिफेंस सेगमेंट में हम सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे जो कि अभी 2019-20 में इनका कंप्लीशन जरूरी है और जिन्हें फास्ट ट्रैक किया जा सकता है नए डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो सबसे पहले बात करेंगे MMRCA 2 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, MMRCA 2 जिसके अंतर्गत तकरीबन 114 फाइटर इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रोक्योर किए जाने थे और इसके डिमांड के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स ने 2017 में ही RFI निकाला था और जिसके अंतर्गत 7 ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। और वो कंपनियां हैं, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, बोइंग द्वारा निर्मित FA-18, डसॉल्ट द्वारा निर्मित राफेल, साब का ग्रिपेनी, यूरो फाइटर टाइफून, सुखोई द्वारा निर्मित Su-35 और मिकोयन द्वारा निर्मित MiG-35। और वहीं पे लॉकहीड मार्टिन अपने नए वर्जन F-21 के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे मुख्य मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि MMRCA 2 डील के अंतर्गत ये 114 फाइटर्स मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, हमने लास्ट वीक रिपोर्ट किया था कि अभी MMRCA 2 को लेकर IAF काफ़ी डाइसी है और ऐसी कवायतें लगाई जा रही हैं कि इसमें से कुछ फाइटर्स पहले ही प्रोक्योर कर लिए जाएंगे जो कि राफेल के रूप में बताया जा रहा है। अभी देखने वाली बात यह होती है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हमने पहले भी रिपोर्ट किया हुआ है कि जून में MMRCA 2 को लेकर जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है AON रिलीज किया जाना है मॉड के द्वारा और मोस्ट प्रोबेबली नए डिफेंस मिनिस्टर के आ जाने से ये डील जल्द से जल्द आपको प्रोपेल होता हुआ दिख सकता है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे डील के बारे में जो कि 2019-20 में ही प्रोपेल किया जा सकता है और वो डील है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट P-75I, जिसके अंतर्गत तकरीबन 6 सबमरीन्स मेक इन इंडिया के अंतर्गत और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जानी है। और इसमें जो मुख्य कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है फ्रांस का नेवल ग्रुप स्कॉर्पियन, रशिया का रूबिन डिजाइन ब्यूरो जो कि अपने आमूर 1650 से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वहीं पे स्वीडन कंपनी साब अपने कोकुम A-26 से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि जर्मनी इसमें अपने टाइप 214 से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये ऐसे कुछ मुख्य 4 कंपनियां हैं जो कि इस प्रोजेक्ट P-75I में मुख्य रूप से पार्टिसिपेंट है। और देखने वाली बात ये होती है कि ये प्रोजेक्ट कितनी जल्दी प्रोपेल होता है और इसमें जो फॉरेन वेंडर्स हैं उनका सिलेक्शन कब तक किया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट भी आपको फास्ट ट्रैक होता हुआ दिख सकता है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की। और अगला प्रोजेक्ट है आपका इंडियन आर्मी के लिए जितने भी राइफल्स हैं, जैसे कि असॉल्ट राइफल्स, क्लोज क्वार्टर कारबिन्स और स्नाइपर्स, तो इन सभी के लिए जो डील्स हैं वो ऑलमोस्ट साइन कर ली गई हैं, लेकिन इनकी जो डिलीवरी है वो अभी होनी बाकी है। और इस बारे में हम पहले भी अपने कई वीडियो में बात कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी को अभी डिफरेंट तरह के मशीन गन्स, मैन पोर्टेबल एंटी आर्मर वेपन्स और इन्फेंट्री व्हीकल्स की आवश्यकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडियन आर्मी के लिए एक समय की डिमांड है। और देखने वाली बात ये होती है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर नए डिफेंस मिनिस्टर किस तरह से प्रोपेल करते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की जो कि इसी सत्र में प्रोपेल किया जा सकता है और वो है 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कि आप सब जानते होंगे, इंडियन नेवी के लिए अपने चेतक हेलीकॉप्टर के रिप्लेसमेंट के रूप में ये 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोक्योर किए जाने हैं जो कि दोनों तरह के ड्यूटी करने में सक्षम होंगे, चाहे वो ड्यूटी मिलिट्री के टर्म्स में हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन वर्क के रूप में हो, तो ये दोनों तरह की ड्यूटी करने में सक्षम होंगे। और इस डील को भी एक अर्जेंसी के रूप में देखा जा रहा है इंडियन नेवी की तरफ से और इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए इस डील को प्रोपेल करना काफ़ी आवश्यक है। तो अभी शुरुआती दौर में तकरीबन 40 ऐसे चेतक को रिप्लेस किया जाएगा इन 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के रूप में। और इस 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में 4 ऐसी मुख्य कंपनियां हैं जो कि इसमें मुख्य दावेदार बताई जा रही हैं। और वो कंपनियां हैं एयरबस द्वारा निर्मित पैंथर, रशियन कंपनी कमोव K-226T, सिकोस्की द्वारा निर्मित S-76D और एयरबस द्वारा निर्मित H-135M। तो ये कुछ ऐसी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो कि इस डील में पार्टिसिपेट करेंगी। बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की, इंडियन नेवी के लिए ही मीडियम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के प्रोक्योरमेंट। तो इस मीडियम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के प्रोक्योरमेंट के रूप में जो मुख्य रूप से देखा जा रहा है, जैसा कि हमने अप्रैल में रिपोर्ट भी किया था, वो है तकरीबन 24 के अमाउंट में अमेरिकन MH-60R, जिसे सीकिंग हेलीकॉप्टर भी बताया जाता है और इसे कुछ लोग सबमरीन किलर भी कहते हैं। और इस तरह के हेलीकॉप्टर्स डिफरेंट तरह के मल्टी मिशंस करने में
काफी सक्षम होते हैं। जिस तरह के फ्लड्स केरला जैसे रीजन में देखा गया था, या फिर कुछ ऐसे फ्लड्स जो कि किसी आइलैंड टेरिटरी पे आया हो, तो उन सभी जगहों पे इस तरह के हेलीकॉप्टर्स जाने में और अपना मिशन परफॉर्म करने में काफी सक्षम होते हैं। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन को देखते हुए इस मीडियम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की जो डिमांड है उसे एक मुख्य प्रायोरिटी के रूप में देखा जा रहा है इंडियन नेवी की तरफ से। तो देखने वाली बात यह होती है कि इन 24 MH-60R की जो फाइनल डील है वो कब तक कंप्लीट होती है, और इसी डील के एडिशन के रूप में जो लॉकेट मार्टिन कंपनी है जो MH-60R बनाती है वो चाह रही है कि वो तकरीबन 123 और ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी को प्रोवाइड करे, और उसके लिए अभी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अप्रोच कर रही है। तो देखने वाली बात यह होती है कि ये डील कब तक प्रोपेल होता है। तो चलिए बात करते हैं अगले डील के बारे में। तो अगला जो डिफेंस वर्क है वो कोई डील नहीं है, वो एक ट्रांजिशन है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे इंडियन एयरफोर्स में जो MiG-21s हैं वो सभी रिटायर होने वाले हैं और उनको हमारा इंडिजिनस TS रिप्लेस करने वाला है। तो देखने वाली बात ये होती है कि ये जो ट्रांजिशन है और ये जो रिप्लेसमेंट है वो कितना स्मूथ और कितनी जल्दी हो पाता है। तो नए डिफेंस मिनिस्टर को ये देखना होगा कि ये ट्रांजिशन स्मूथ हो और TS MiG-21 को बखूबी रिप्लेस करे और इसका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है उसको जल्द से जल्द एक्सेलरेट किया जाए। जैसा कि आप सबको पता ही होगा अक्टूबर से जो FOC TS Mk-1 है उनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जो कि तकरीबन 16 के रूप में मैन्युफैक्चर किए जाने हैं और उसके साथ ही तकरीबन 4 FOC लेवल के ही TS ट्रेनर्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग और इनका रिप्लेसमेंट स्मूथ ट्रांजिशन के रूप में हो तो ये इंश्योर करने वाली बात होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले डील की तरफ। तो अगले डील के रूप में हम बात करने वाले हैं राफेल की डिलीवरी के ऊपर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे इस साल के सितंबर से ही राफेल की डिलीवरी शुरू हो जाएगी और तकरीबन 36 राफेल डिलीवर होने हैं। तो अभी नए डिफेंस मिनिस्टर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो अभी फर्स्ट बैच होगा राफेल का, जिसमें तकरीबन 6 राफेल डिलीवर होने हैं, और उसके बाद जो पहला राफेल डिलीवर होगा उसके तकरीबन 18 मंथ के बाद बाकी के 36 राफेल डिलीवर होंगे। तो अभी नए डिफेंस मिनिस्टर को ये इंश्योर करने की आवश्यकता है कि ये जितने भी राफेल की डिलीवरी है वो टाइमली हो और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिले ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले डील की तरफ। तो अगले डिफेंस वर्क के रूप में ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी को एक तरफ डिफरेंट तरह के ट्रक माउंटेड और टोर्ड आर्टिलरी गन्स की आवश्यकता है, वो भी एक लार्ज नंबर में। और जैसा कि हमने इस साल के शुरू में ही रिपोर्ट किया था कि तकरीबन 114 धनुष 155 mm आर्टिलरी गन को इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया और US के दरमियान साइन किए गए M777 डील के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट M777 का इंडियन आर्मी ने अपने रेजिमेंट में शामिल कर लिया है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा M777 एक अल्ट्रालाइट हाइविजर गन है। तो इसी को लेकर जो नेक्स्ट डेवलपमेंट नए डिफेंस मिनिस्टर की नज़रों में रहेगा वो रहेगा कि ये जो भी अल्ट्रालाइट वेट हाइविजर गन्स हैं इनकी जो असेंबली है वो इंडिजिनसली किया जाए इंडिया में, और ये असेंबली नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होनी है। तो अभी नए डिफेंस मिनिस्टर को इस पे तवज्जो देने की आवश्यकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले डील की तरफ। तो अगले डील के रूप में देखा जा रहा है जो कि एक सीरियस कंसर्न है इंडियन नेवी में, और वो है माइन स्वीपर वेसल्स की। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे इंडियन नेवी बहुत दिनों से एक डेफिशिएंसी में चल रही है माइन स्वीपर को लेके, और अभी जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं उन्हीं से काम चला रही थी। और पिछले 12 सालों में तकरीबन 3 ऐसे डील जो कि इंडियन नेवी ने चाहा है कि वो साइन करे लेकिन वो साइन नहीं हो पाए, और वो सभी MCMV को लेके था, जिसका मतलब ये है माइन काउंटर मेजर वेसल्स। और लास्ट ईयर ही इस MCMV डील को रिबूट किया गया है और तकरीबन 12 ऐसे शिप्स जो कि माइन काउंटर मेजर वेसल्स होंगे उनके रूप में फॉरेन वेंडर के साथ मिलकर इंडियन शिपयार्ड में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो इस डील को भी जल्द से जल्द प्रोपेल करके इनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी जरूरी है। बात करते हैं अगले प्रायोरिटी की। तो अगली प्रायोरिटी के रूप में इंडिया का इंडिजिनस ड्रोन सिस्टम है जिसे रुस्तम 2 के नाम से बताया जा रहा है। तो इसका इंडक्शन और इसी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए जो बाकी के बच गए हैं दो और फैल्कन अवैक्स सिस्टम उनका इंडक्शन, और साथ ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा इंडक्ट किए जाने वाले 4 और बोइन P-8I जो कि एक सर्विलेंस और एंटी सबमरीन जेट है तो उनका भी इंडक्शन काफ़ी आवश्यक है। और वहीं पे दूसरी तरफ जनवरी में हमने रिपोर्ट किया था कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना इंटरेस्ट जताया है रेडियन द्वारा निर्मित ISR में जो कि एक उच्च कैटेगरी का एलनिट सिस्टम है, तो उस डील का प्रोपेल होना भी बहुत आवश्यक है। और उसी के साथ साथ जैसा कि आप सब जानते होंगे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही सी गार्डियन ड्रोन को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो देखने वाली बात यह होती है कि ये प्रोजेक्ट भी कितनी जल्दी वार्ता में आगे बढ़ता है। तो ये कुछ ऐसे 10 या 11 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए मुख्य प्रायोरिटी में रहेंगे 2019-2020 में। तो इन सभी को लेकर आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि 2019-2020 में प्रोपेल हो सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।